नमस्कार दोस्तों, आईटीआई मीडी जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई मीडी जी में हम आईटीआई से संबंधित ट्रेड, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर आदि से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करते हैं और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ट्रांसफॉर्मर के ऊपर मल्टी चॉइस क्वेश्चन का पार्ट 1 आपके सामने लेकर आया था, जिसमें हम ट्रांसफॉर्मर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। उसी कड़ी में आज उसका मैं दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। इस वीडियो में भी हम जो ट्रांसफॉर्मर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और उनको देखेंगे। चलो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला, ट्रांसफॉर्मर के किस भाग में हिस्टेरेसिस लॉस उत्पन्न होता है? ऑप्शन है कोर में, ब्रीदर में, ट्रांसफॉर्मर ऑयल में और कंजर्वेटर में। तो दोस्तों, जो आयरन लॉसेज होता है उसका एक पार्ट होता है हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरा पार्ट उसका एडी करंट लॉस होता है और लॉस ट्रांसफार्मर की कोर में होते हैं। तो इसका आंसर है कै, कोर में। क्वेश्चन नंबर 52, पावर ट्रांसफार्मर कोर की रचना के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ऑप्शन है मृदु स्टील, ख उच्च कार्बन स्टील, ग सिलिकॉन स्टील, ग स्टेनलेस स्टील। तो दोस्तों, इसका आंसर है ग सिलिकॉन स्टील। पावर ट्रांसफार्मर कोर के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, किस प्रकार का ट्रांसफार्मर द्वितीयक को अलग नहीं करता? मतलब किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही रहती है? ऑप्शन है क्या, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ख ऑटो ट्रांसफार्मर, ग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, घ करंट ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों, इसका आंसर है ख ऑटो ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग रहती है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के टर्मिनल निकाले जाते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 54, वोल्टेज स्टेबलाइजर में टैपिंग या स्टेपलेस बदलाव के साथ ऑटो ट्रांसफार्मर होते हैं जो स्टेबलाइजर के प्रकार पर निर्भर करते हैं। सर्वो स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होता है? ऑप्शन है क को टाइप, ख सेल टाइप, ग टोरोडाइडल टोरोइडल साइप, घ वितरित को टाइप। दोस्तों, जो स्टेबलाइजर होता है सर्वो स्टेबलाइजर, उसमें टोराइडल टाइप का हमारा ट्रांसफार्मर होता है। इसका उत्तर है ग। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं, किसी करंट ट्रांसफार्मर के सिंगल टर्न प्राइमरी में टर्न रेशियो 10:1 का अनुपात है? निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक करंट है यदि सेकेंडरी में मापी गई धारा 2 एम्पियर है? तो दोस्तों, जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर होता है उसका प्रयोग हम हाई करंट सर्किट में करंट नापने के लिए करते हैं। करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी में सदैव एक टर्न रहता है और सेकेंडरी में ज़्यादा टर्न रहते हैं। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो यहाँ पे हमें एक रेशो दिया गया है, उस रेशो के हिसाब से हमें करंट ज्ञात करना है। तो दोस्तों, 10:1 का जो हमारा रेशो है, तो यदि सेकेंडरी में 2 एम्पियर है तो प्राइमरी में हमारा क्या हो जाएगा, 20 एम्पियर हो जाएगा। क्वेश्चन, तो इसका आंसर है घ, 20 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं, जब किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की तुलना की जाती है तो प्राइमरी में हो गए क्या, निम्न वोल्टेज उच्च धारा, उच्चतर वोल्टेज व उच्चतर धारा, गए उच्चतर वोल्टेज व निम्नतर धारा, गए निम्नतर वोल्टेज व उच्चतर धारा। तो दोस्तों, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है उसका सेकेंडरी का वोल्टेज ज़्यादा रहता है, प्राइमरी का वोल्टेज कम होता है, इसलिए प्राइमरी में हमारा निम्न वोल्टेज रहेगा। लेकिन दोनों पोर्ट में पावर हमेशा सेम रहती है, जब निम्न वोल्टेज रहेगा तो धारा क्या हो जाएगी, हमारी उच्चतर हो जाएगी। इसका आंसर है कै, जब किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी की तुलना की जाती है तो प्राइमरी में निम्न वोल्टेज रहेगा, उच्चतर धारा होगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है? हमारे पास है ऑप्शन पावर, ख वोल्टेज, ग धारा, घ आवृत्ति। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हम वोल्टेज को चेंज करते हैं। तो इसका आंसर एक है, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा वोल्टेज बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो स्टेप अप में हम बढ़ाएंगे तो इसका आंसर एक है वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 58, 1 KV ट्रांसफार्मर के प्रति वोल्ट चक्करों की संख्या 8 है। यदि वोल्टेज 110 वोल्ट हो तो उच्च वोल्टेज की तरफ चक्करों की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, प्रति वोल्ट हमें कितने टर्न चाहिए, 8। तो 110 वोल्ट के लिए कितने टर्न चाहिए, 110 × 8 हमारा आ जाएगा 880। तो इसका आंसर एक है, 58 का हमारा आंसर एक है, 880 टर्न चाहिए हमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर, 0.8 PA पर 1 KVA
240 ओब्लिक 120 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की फुल लोड धारा क्या होगी? हमारे पास में ऑप्शन है, तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 1 kV है उसमें सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है 120, उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा 8.33 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। सेल प्रकार के लिए लघु प्रकार के ट्रांसफार्मर को सामान्यतः खाली स्थान उपयोग करता है। ऑप्शन क्या है, ई एवं आई प्रकार का कोर, ऑप्शन ख एफ एवं एफ प्रकार का कोर, ऑप्शन घ ई एवं ई प्रकार का कोर, ऑप्शन घ टी एवं यू प्रकार का कोर। तो दोस्तों इसका आंसर है क है ई एवं आई प्रकार का कोर। सेल प्रकार के लिए लघु प्रकार के ट्रांसफार्मर कोर सामान्यतः ई एवं आई प्रकार की कोर से उपयोग करके बनते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61। किसी ट्रांसफार्मर की ऑल डे दक्षता को, ऑल डे दक्षता मतलब ऑल डे एफिशिएंसी को परिकलित करने के लिए दिन के दौरान खपत आउटपुट पावर की इकाई क्या होगी? ऑप्शन है केवी अपॉन में एच, केवीएच, के डब्ल्यू अपॉन एच, के डब्ल्यू एच। तो दोस्तों इसका आंसर है घ के डब्ल्यू एच। किसी ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी निकालने के लिए जो हम उसकी पावर कंजम्पशन निकालते हैं वो के डब्ल्यू एच में ही निकालते हैं, तो इसका आंसर है घ के डब्ल्यू एच। क्वेश्चन नंबर, हम दिन में सिलिका जेल का रंग है, ऑप्शन है क गुलाबी, ख नीला, ग हरा, घ लाल। तो दोस्तों जो सिलिका जेल का रंग होता है वह नीला रहता है, तो इसका आंसर है ख है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। ट्रांसफार्मर के अंदर प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है क्या है, सोडियम क्लोराइड, घ सोडियम सिलिकेट, घ सिलिका जेल, घ कॉपर सल्फेट। तो इसका आंसर है घ सिलिका जेल। ट्रांसफार्मर के अंदर प्रेस करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर हम सिलिका जेल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। ट्रांसफार्मर की दक्षता इसकी इनपुट व आउटपुट पावर को जानकर निर्धारित होती है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त पावर की इकाई केवी अपॉन में केडब्ल्यू है। इनपुट व आउटपुट की इकाई क्या होगी जब ऑल डे दक्षता को परिकलित किया जाता है? दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि ऑल डे एफिशिएंसी की निकालने के लिए जो किलोवाट आवर में पावर कंजम्पशन हुआ है उसको हम गणना में लेते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा घ। ऑल डे एफिशिएंसी पर क्लिक करने के लिए हम के डब्ल्यू एच में लोड का कंजम्पशन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 65 पर। किसी धारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी होगी, मतलब किसी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी किस तरह की होगी? ऑप्शन है हमारे पास में क मोटे गेज के अधिक चक्कर, ख पतले गेज के अधिक चक्कर, ग पतले गेज के कम चक्कर, ग मोटे गेज के कम चक्कर। दोस्तों जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसकी सिटी में सेकेंडरी में बहुत कम करंट फ्लो होता है, लेकिन वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसका ऑप्शन है ख पतले गेज के अधिक चक्कर होंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66। यदि इंस्टॉलेशन की धारा रेटिंग उच्च है तो ऊर्जा मीटर परिपथ में धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। यदि 100 एम्पियर ओब्लिक 5 एम्पियर के धारा ट्रांसफार्मर को किसी ऊर्जा से संपर्कित किया जाता है तो रिकॉर्डेड ऊर्जा के लिए गुणक कारक है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा? तो दोस्तों जो ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है इसका रेशो क्या हो गया, 100/5 मतलब कि 20 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 20 है। इसमें ऑप्शन आंसर आएगा हमारा ख 20। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। किसी निश्चित प्रेरित सेकेंडरी वोल्टेज पर अचर वोल्टेज ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी वाइंडिंग का इम्पीडेंस इससे होकर संधारित्र के इम्पीडेंस के बराबर है, परिपथ की यह स्थिति किस का नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है एज ए इंडक्टर भी काम करता है, तो अगर इस सर्किट में लगा हुआ है तो इसका इम्पेंडर जो ट्रांसफार्मर का इम्पेंडेंस है वो कैपेसिटेंस के इम्पेंडेंस के बराबर है, तो यह कंडीशन हमारी रेजोनेंस की कंडीशन कहलाती है।
तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है घे, रेजोनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। किसी ट्रांसफॉर्मर में अति ऊष्मा का कारण क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन है क, उच्च व्यापकता तापक्रम, खे इनपुट वोल्टेज काफ़ी कम हो, गए लोड बद अधिक है, गए ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आर्क हो। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट होती है वो वाइंडिंग में कॉपर लॉस के कारण होती है, जो कि तेल में संपर्क तेल के संपर्क में होने के कारण तेल में ट्रांसफर हो जाती है। जब लोड अधिक होता है तो हमारा कॉपर लॉस बहुत अधिक होगा, तो हमारा हीट लॉस भी बहुत अधिक होगा। अतः इसका ऑप्शन का आंसर है गए, लोड बहुत अधिक होने के कारण ट्रांसफार्मर में अत्यधिक हीट जनरेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के किस भाग में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है? गए ट्रांसफार्मर कोर, गए ट्रांसफार्मर टैंक, गए ट्रांसफार्मर ऑल, गए एलवीएन एचवी वाइंडिंग। दोस्तों जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहता है उस पे लोड कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, लेकिन जो उसकी आयरन लॉसेज हैं वो लगातार होते रहते हैं, इसलिए कभी वो नो लोड पे है तभी भी आयरन लॉसेज रहेंगे, फुल लोड है तभी भी उसमें आयरन लॉसेज रहेंगे, कम लोड है तभी आयरन लॉसेज रहेंगे। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमेशा ट्रांसफार्मर कोर में ज़्यादा लॉस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। धारा ट्रांसफार्मरों का 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। एमीटर पर क्लैंप में किस प्रकार की धारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत का प्रयोग होता है? क्या तेल में डूबा हुआ सीटी, क्या शुष्क प्रकार के सीटी, गए छल्लानुमा सीटी, गए मुड़ा हुआ सीटी। तो दोस्तों जो हम अगर हमें करंट की वैल्यू नापनी है तो हम क्लैंपमीटर का उपयोग करते हैं। क्लैंपमीटर में क्या होता है कि छल्लानुमा एक सीटी रहती है और वह एक उसमें एक एमीटर भी जुड़ा रहता है, इसलिए इसका आंसर है गए छल्लानुमा सीटी। क्वेश्चन नंबर 71। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते समय इसे किससे संपर्कित करना चाहिए? गए प्राइमरी वाइंडिंग, गए सेकेंडरी वाइंडिंग, गए निम्न वोल्टेज वाइंडिंग, गए उच्च वोल्टेज वाइंडिंग। तो दोस्तों जो पीटी होता है, पीटी का प्राइमरी वाइंडिंग तो हम सर्विस सप्लाई से जोड़ देते हैं, लेकिन जो उसका सेकेंडरी होता है उसका एक सिरा हम ग्राउंड कर देते हैं। तो इसका आंसर है खैर सेकेंडरी वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। जब वाट मीटर को सीटी एवं पीटी के साथ इस्तेमाल किया जाता है तो वास्तविक पावर खपत को नापने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है गए वाट मीटर का पाठ्यांक इंटू में सीटी का अनुपात इंटू में पीटी का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं, आपको 3 फेज परिपथ में 6.6 kV एवं लोड 500 kVA की धारा एवं वोल्टेज की माप करनी है। 5 एम्पियर के एक एमीटर और 110 वोल्ट के वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करने के लिए सीटी व पीटी के किस अनुपात की जरूरत होगी? दोस्तों जो हमारा पीटी है उसका सेकेंडरी वोल्टेज 110 वोल्ट का हमें दिया हुआ है, तो 6600 वोल्ट में हम 110 का वोल्ट लगाएंगे, डिवीजन करेंगे तो हमारे पास में 60 आ जाएगा। तो पीटी हमें किस रेशियो को चाहिएगी? 60/1 की। अब हम इसका फुल लोड करंट देखते हैं, तो 500 kVA और 6.6 kV हमें दे रखा है, तो इसका फुल लोड करंट हम निकाल लेते हैं। तो फुल लोड करंट इसका 43.7 एम्पीयर के करीब आता है। तो जो हमारा सेकेंडरी करंट है 5 एम्पीयर का एमीटर है, तो जब 43 में हम 5 का भाग लगाएंगे 9 या 10 के करीब आता है। उस हिसाब से हमें दिए गए ऑप्शन में 15/1 वाला सीटी उपयुक्त रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा क्या है, पीटी चाहिए हमें 60/1 की और सीटी चाहिए 15/1 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। किसी छोटी सी कार्यशाला में 5 एम्पियर की ऊर्जा मीटर को एक सीटी से जोड़ा गया है। किसी खास महीने में मीटर का पाठ्यांक 1000 यूनिट रिकॉर्ड करता है, किंतु मीटर केवल 25 यूनिट दर्शाता है। सीटी के प्राइमरी में धारा क्या होगी जब मीटर से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है?
तो सबसे पहले दोस्तों मीटर का रेशो देख लेते हैं। 1000 यूनिट की जगह वो 25 यूनिट केवल डिस्प्ले करता है, तो 1000 में हम जब 25 का भाग लगाएंगे तो 40 आता रेशो। तो 40 के हिसाब से जो हमारा फुल लोड करंट होगा वो 200 एम्पियर होगा। जब 4 एम्पियर उसमें सीटी की तरफ एमीटर की तरफ बह रहा है तो 40 × 4 160 एम्पियर, तो इसका आंसर एक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खुला परिपथ ओपन सर्किट क्षण लो क्षति मतलब आयरन लॉस तथा लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट टेस्ट ताम क्षति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। खुला परिपथ ओपन सर्किट एवं लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट में सप्लाई कहाँ पे दी जाती है या कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है? तो दोस्तों इसमें दिया गया है कि ओपन सर्किट जो टेस्ट होता है वो आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए जाता है। लेकिन जब हम ये टेस्ट करते हैं तो हम किस साइड में सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, ये इस सवाल में पूछा है। तो दोस्तों जब हम ओपन ओपन टेस्ट करते हैं तो हम हाई वोल्टेज साइड को हमेशा ओपन रखते हैं, तो हम सप्लाई कहाँ देंगे? एलवी साइड में। जब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं तब हम एलवी साइड में शॉर्ट करते हैं, तो हम सप्लाई कहाँ देंगे? एचवी साइड में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ओपन सर्किट में एलवी साइड में सप्लाई प्रोवाइड करेंगे और शॉर्ट सर्किट में एचवी साइड। क्वेश्चन नंबर 76। ट्रांसफार्मर में गंदगी यह स्लजिंग बनती है किस कारण से बनती है? क्या तेल में नमी के कारण, क्या तेल के अपघटन के कारण, गया तेल में डस्ट पार्टिकल होने के कारण, गया तेल के वाष्पीकरण के कारण। दोस्तों जब तेल हमारा वाइंडिंग के साथ में संपर्क में रहता है तो जो वाइंडिंग का पेपर इंसुलेशन है वो धीरे धीरे गर्म होकर ब्रिटल हो जाता है, और वो हमारे तेल के साथ में क्रिया करता है। इस कारण दोस्तों तेल जब गर्म होता है उसका भी डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, जिसके कारण उसमें विभिन्न तरह की गैसें जनरेट होती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन गैसें जैसे एसिटिलीन, मीथेन, इथेन। तो पेपर और इन गैसों का आपस में रिएक्शन होने के कारण धीरे धीरे तेल में गंदगी डेवलप होती जाती है, जो तेल के पैंदे में जाके बैठ जाती है। अतः दोस्तों इस आंसर का है तेल में ट्रांसफार्मर में गंदगी बनने का कारण तेल का अपघटन है। क्वेश्चन नंबर 77 पे चलते हैं। ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में की जाती है क्योंकि यह एक परंपरागत तरीका है, खै उच्च दक्षता होने के कारण, गए सरल गणना हेतु, गए क्योंकि लोड का पीएफ ज्ञात नहीं रहता। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में हमें वोल्टेज चेंज करके सप्लाई प्रोवाइड करता है, लेकिन ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या लोड आएगा ये हमें ज्ञात नहीं रह सकता। ट्रांसफार्मर पर लोड रजिस्टिव भी रह सकता है, कैपेसिटिव भी रह सकता है, इंडक्टिव भी रह सकता है, या मिक्स टाइप का भी लोड रह सकता है। इसलिए ट्रांसफार्मर पे पीएफ ज्ञात ना होने के कारण लोड का हम ये ट्रांसफार्मर की रेटिंग किलोवाट में नहीं कर सकते, इसलिए सदैव ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में करते हैं। तो इसका आंसर है घ, लोड का पीएफ ज्ञात नहीं होने के कारण हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। एक ट्रांसफार्मर को लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाने हेतु संपर्कित किया जाता है मतलब अर्थ किया जाता है, क्या तेल टैंक के तेल के पास में, क्या टैंक के छत के टॉप के पास में, गए टैंक के मध्य भाग के पास में, गए कहीं भी लगा सकते हैं। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर को जो मेन टैंक होता है उसको हम अर्थिंग ट्रांसफार्मर के बॉटम के पास में प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो भी हमारा लाइटनिंग स्ट्रोक का करंट है वो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के अंदर ना जाए। तो इसका आंसर गए कै टेल के बॉटम के पास में हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का रेशो होता है कै 1:1, खै 1 से ज़्यादा, गए 1 से कम, गए 0.5। दोस्तों आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का काम है कि वोल्टेज रेशो उसमें सेम ही रहता है, प्राइमरी में भी सेम वोल्टेज रहेगा, सेकेंडरी में सेम रहेगा, तो इसका रेशो हमेशा 1:1 का रहता है। ये केवल इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन प्रोवाइड करता है दो पोर्ट के बीच में, इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। ट्रांसफार्मर कोर में उत्पन्न वाइब्रेशन निर्भर करते हैं क्या? क्लैंप की टाइटनेस पर, खैर लेमिनेशन की मोटाई पर, गए लेमिनेशन के आकार पर, गए उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर में वाइब्रेशन होते हैं वह ट्रांसफार्मर की कोर के कारण होते हैं, तो इसका आंसर गए उपरोक्त सभी कारणों के कारण ट्रांसफार्मर में जो उत्पन्न वाइब्रेशन है वो है इन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन नंबर 81। ट्रांसफार्मर ऑयल की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है क्या?
है 1 kV, है 33 kV, घ 100 kV, घ 330 kV। तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर होल रहता है उसकी BDV यानी ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ 25 से 70 80 kV के बीच में रहती है, तो इसका आंसर है 33 kV। क्वेश्चन नंबर 82, ट्रांसफार्मर के किस वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा बड़ा होगा? क्या उच्च वोल्टेज वाइंडिंग का, क्या निम्न वोल्टेज वाइंडिंग का, क्या प्राथमिक वाइंडिंग का, क्या सेकेंडरी वाइंडिंग का? तो जो दोस्तों हमने देखा कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में पावर हमेशा सेम रहती है, तो अगर उच्च वोल्टेज वाइंडिंग है तो वहाँ पर करंट उसका कम होगा, और निम्न वोल्टेज वाइंडिंग है तो उसका करंट ज़्यादा होगा। ज़्यादा करंट होने के कारण हमें जो कॉपर का वाइंडिंग या कॉपर का जो तार लगा है उसका एरिया भी हमें बड़ा होना चाहिए, तो इसका आंसर एक है निम्न वोल्टेज वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा क्योंकि उसको ज़्यादा करंट कैरी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 83, यदि एक ट्रांसफार्मर का 7/8 लोड पर कॉपर लॉस 4900 वाट है तो 100% के लोड पर कॉपर लॉस कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे हमें दे रखा है कि 7/8 पे लोड हमारा 49 है, तो 8/8 पे कितना होगा? ये 5600 वाट। तो इसका उत्तर है क्या है 5600 वाट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 84, वेल्डिंग कार्यों के लिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी आपूर्ति करेगा। ऑप्शन है क्या है उच्च वोल्टेज निम्न करंट, है उच्च वोल्टेज उच्च करंट, गए लो वोल्टेज निम्न करंट, गए निम्न वोल्टेज उच्च करंट। दोस्तों जो हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम इलेक्ट्रोड को वर्कपीस के साथ में टच करके आग डेवलप करते हैं, जिसके कारण उनमें वेल्डिंग का कार्य शुरू होता है। जब आग डेवलप होगा तो हमें हाई करंट चाहिए, और आदमी की सेफ्टी के लिए हमें निम्न वोल्टेज चाहिए। तो इसका ऑप्शन है घ निम्न वोल्टेज उच्च करंट, वेल्डिंग कार्यों के लिए ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी निम्न वोल्टेज एवं उच्च करंट प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 85, एसी वेल्डिंग सेट में उपयुक्त ट्रांसफार्मर होता है क्या? स्टेप अप, क्या स्टेप डाउन, गए बूस्टर टाइप, गए इक्वल टर्न टाइप। तो दोस्तों वेल्डिंग सेट के लिए हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर एक है। क्वेश्चन नंबर 86, बुकोल्स रिले गैस दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रयोग किया जाता है वायु शीतलित ट्रांसफार्मर में, तेल शीतलित ट्रांसफार्मर में, गए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में, गए कोटेशन ट्रांसफार्मर में। दोस्तों जो ऑयल कूल ट्रांसफार्मर रहते हैं उसमें हम बुकोल्स रिले का प्रयोग अलार्म तथा फॉल्ट कंडीशन में ट्रांसफार्मर के ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए किया जाता है। जब ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट जनरेट होती है तो वो बुकोल्स रिले में जाके ट्रैप होती है, उसके प्रेशर के कारण पहले हमारा अलार्म वाला मरकरी स्विच काम करता है, अगर गैस ज़्यादा डेवलप हो रही है तो थोड़ी देर में ब्रेकर का मरकरी स्विच भी काम करेगा, जिससे ब्रेकर ट्रिप होने के कारण हमारा ट्रांसफार्मर मेन सप्लाई से कट जाएगा और ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आंसर एक है तेल शीतली ट्रांसफार्मर में बुकोल्स रिले का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, शुष्क सिलिका जेल का रंग होता है। ऑप्शन क्या पीला, खै सफ़ेद या हल्का गुलाबी, गह नीला, गह हरा। तो दोस्तों जो हम मोबाइल या हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान में छोटे छोटे पैकेट में सिलिका जेल रख के आता है तो उसका रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी मिलता है हमें, तो इसका आंसर एक है। क्वेश्चन नंबर 88, टैप ट्रांसफार्मर वह है क्या जिसमें तेल बाहर निकालने के लिए टैप हो, क्या प्राथमिक वाइंडिंग में से एक या अधिक मध्य सिरे निकाले गए हों, गए वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग में कई मध्य सिरे निकाले गए हों, गए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों टैप चेंजर किस ट्रांसफार्मर में प्रोवाइड करते हैं उसमें क्या रहता है? उसमें वोल्टेज एडजस्टमेंट के लिए सेकेंडरी वाइंडिंग में कई मध्य सिरे निकाले गए हों, तो इसे हम टैप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, तो इसका आंसर है गए। क्वेश्चन नंबर 89, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक एवं द्वितीयक वोल्टेज में फेज अंतर क्या होता है? क्या 180 डिग्री, क्या 120 डिग्री, क्या 90 डिग्री, क्या 60 डिग्री? तो दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज होता है उनमें फेज डिफरेंस 180 डिग्री का होता है, तो इसका आंसर है क्या है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 90, धारा ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी के ओपन होने से जबकि प्राथमिक मुख्य सप्लाई से जुड़ा हो तो उसके परिणाम से क्या होगा? ऑप्शन हमें कह दे रखा है ट्रांसफार्मर जल जाएगा तथा प्रचालक को खतरा होगा, खैर ट्रांसफार्मर जल जाएगा लेकिन
प्रचालक मतलब ऑपरेटर को कोई खतरा नहीं होगा, गए अमीटर या ट्रांसफार्मर नहीं जलेगा लेकिन ऑपरेटर को खतरा होगा, गए और हमारा घे लास्ट ऑप्शन है, अमीटर जल जाएगा लेकिन ऑपरेटर को कोई खतरा होगा। दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है करंट ट्रांसफार्मर सीटी, उसको प्रयोग हम हाई करंट सर्किट में करंट नापने के लिए करते हैं। इसका जो प्राइमरी होता है केवल उसमें 1 टन होता है, लेकिन सेकेंडरी में बहुत सारे टन होते हैं। तो लेकिन हम जो उसका इंसुलेशन है सेकेंडरी साइड में, हम उसका इंसुलेशन ट्रांसफार्मर की सीटी को बहुत छोटा बनाए कर रखने के लिए बहुत कम इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी रहती है वो हमेशा शॉर्ट रहती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं हो। लेकिन यदि किसी भूलवश हमारी सेकेंडरी ओपन रह गई, तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होने के कारण सेकेंड साइड में अत्यधिक हाई वोल्टेज जनरेट होगा, जिसके कारण हमारे सेकेंडरी का इंसुलेशन फेलियर हो जाएगा, जिसके कारण जो ऑपरेटर है उसको भी नुकसान हो सकता है और सीटी तो हमारा फट ही जाता है। इसका आंसर है कै, ट्रांसफार्मर सीटी की अगर सेकेंडरी ओपन कर दें तो सीटी हमारा जल जाएगा, फट जाएगा और ऑपरेटर को भी खतरा है, नुकसान है। क्वेश्चन नंबर 91, इनमें से किस ट्रांसफार्मर का उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर अल्टरनेटिंग द्वारा उत्पन्न किए वोल्टेज को उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने हेतु किया जाता है? क्या सिंगल फेज, क्या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या बूस्टर ट्रांसफार्मर, क्या थ्री फेज ट्रांसफार्मर? तो दोस्तों जो हमारा जनरेटिंग स्टेशन होता है वहाँ पे जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसको पर्टिकुलर जीटी ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है, जनरेटिंग ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है कि जो जनरेशन का हमारा वोल्टेज रहता है 11 kV या 13 kV, उसको 400 kV या 220 kV पे स्टेप अप करके हमें आगे सप्लाई ट्रांसमिशन लाइन में प्रोवाइड करता है। तो ये थ्री फेज ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई हम जनरेट नहीं करते, हम थ्री फेज सप्लाई जनरेट करते हैं। तो इसका आंसर है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। 92, ट्रांसफार्मर किस आपूर्ति पर कार्य करता है? क्या प्रत्यावर्ती धारा पर, क्या दृष्ट धारा पर, गए कै और खे दोनों पर, गए इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है, अगर डीसी हम प्रोवाइड कर दें तो ट्रांसफार्मर में बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, जिससे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अत्यधिक करंट बहेगा और हमारा ट्रांसफार्मर जल भी सकता है। तो इसका आंसर है कै, ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 93, कोर निर्माण के लिए ऐसा कौन सा इस्पात चुना जाता है? जो ऑप्शन है कै, निम्न चुंबकशीलता या उच्च हिस्टेरेसिस लॉस रखता हो, खे निम्न चुंबकशीलता व निम्न हिस्टेरेसिस लॉस रखता हो, गए उच्च चुंबकशीलता एवं निम्न हिस्टेरेसिस लॉस रखता हो, गए उच्च चुंबकशीलता एवं उच्च हिस्टेरेसिस लॉस रखता हो। दोस्तों किसी भी मटेरियल की कोर मैग्नेटिक पाथ प्रोवाइड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो उसकी सबसे पहली आवश्यकता है कि उसकी उच्च चुंबकशीलता हो, दूसरा उसमें जो लॉस है वो कम से कम होने चाहिए, तो जो उसका हिस्टेरेसिस लॉस है वो भी कम होना चाहिए। तो इसका आंसर गए। क्वेश्चन नंबर 94, किसी ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर प्रोवाइड कर किया जाता है? क्या प्राइमरी साइड में, क्या सेकेंडरी साइड में, गए एलवी साइड में, गए एचयू साइड में। दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का टैप चेंजर होता है वो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए काम में लिया जाता है। जब ट्रांसफार्मर पर लोड अधिक हो जाता है तो वोल्टेज रेगुलेशन के कारण लोड साइड में ट्रांसफार्मर का वोल्टेज कम हो जाता है, अतः इस वोल्टेज को रेटेड वोल्टेज रखने के लिए हम टैप चेंजर का प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों टैप चेंजर को हम एचयू साइड में प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे मैंने जो उसका ऑप्शन लिखा है गए गलत है, इसका आंसर है गए एचयू साइड में। एचयू साइड में ट्रांसफार्मर टैप चेंजर प्रोवाइड करने का एक कारण यह है कि एचयू साइड में हमेशा करंट कम रहता है। जब हम टैप चेंजर करते हैं तो हम सर्किट को क्या थोड़ी देर के लिए ब्रेक करते हैं, तो जिसके कारण अत्यधिक आर्क डेवलप होगी। अगर हम एलवी साइड में टेप चेंजर प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा करंट को ब्रेक करना पड़ेगा, ज़्यादा आर्क डेवलप होगी। दूसरा एचयू साइड में हमेशा बाहर की तरफ वाइंडिंग रहती है, तो उसका कूलिंग करना भी बहुत आसान है, उसको प्रोवाइड करना भी आसान है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर को हम हमेशा एचयू साइड में प्रोवाइड करते हैं, तो इसका आंसर है घे एचयू साइड में। क्वेश्चन नंबर 95, अगर ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम हो जाए तो उसकी आयरन लॉस कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑप्शन है कम, अधिक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गए बहुत अधिक। तो दोस्तों जो कोर लॉस होता है
तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो कोर लॉस भी कम होगा। इसका आंसर क्या है? ट्रांसफार्मर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी कम होने पर कोर लॉस कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, ट्रांसफार्मर में उत्पन्न वोल्टेज का फार्मूला क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है, जो ट्रांसफार्मर में इंड्यूस वोल्टेज का फार्मूला रहेगा, 4.4f Bf ना, मतलब कि बी मतलब फ्लक्स डेंसिटी को प्रेजेंट करेगा, एफ फ्रीक्वेंसी को करेगा, एन नंबर ऑफ टर्न को करेगा, ए मतलब कोयल के एरिया को प्रकट करेगा। तो हाँ, हमने कॉलेज में ये याद करने का फार्मूला बनाना था कि Bf ना, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। और बी को हम जानते हैं, हम बी को कैसे लिख सकते हैं, 5/A इज इक्वल टू बी, तो बी की जगह हम 5/A भी लिख सकते हैं, तो ए से कैंसिल हो जाएगा। तो 5 की टर्म्स में हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 4.44 × में Nf5। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है हमेशा, और जैसे मैंने अभी आपको बताया था उस तरह से भी याद रखते हैं। ट्रांसफार्मर रेशो का सूत्र क्या है? तो ट्रांसफार्मर रेशो के रहता है, वह हमारा जो EP/ES इज इक्वल टू NP/NS, लेकिन जो करंट रहता है वो हमेशा उल्टा रहता है, IS/IP। तो ये इसका ट्रांसफार्मर रेशो का फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 98, किसी ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन की प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र होता है? दोस्तों जो तो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वो नो लोड पे कितना वोल्टेज है और फुल लोड पे कितना वोल्टेज है, तब कितना वोल्टेज की जो कमी होती है वो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। तो ये फार्मूला है, नो लोड वोल्टेज माइनस में फुल लोड वोल्टेज अपॉन में नो लोड वोल्टेज इंटू में 100। दोस्तों जब हमारा लोड कैपेसिटिव रहेगा तब हमारा वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाएगा, और जब हमारा लोड इंडक्टिव रहेगा तो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन मैक्सिमम रहेगा। तो कई बार ये भी पूछते हैं कि किस पीएफ पे आपका वोल्टेज रेगुलेशन कम रहेगा, कई किस पीएफ पे आपका वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 99, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालने का क्या सूत्र रहेगा? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला, इनपुट माइनस में लॉसेज अपॉन में इनपुट इंटू में 100, या आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस में लॉसेज। यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, ऊपर नीचे हो गया, आउटपुट अपॉन में आउटपुट प्लस में लॉसेज इंटू 100, ये इसका फार्मूला रहेगा। यूनिटी पावर फैक्टर पर एफिशिएंसी हमेशा हाई रहती है, और जैसे जैसे पावर फैक्टर कम होता रहता है एफिशिएंसी भी कम होती जाती है। तो ये चीज़ें आपको रखनी है। जो लॉसेज होते हैं हमारे, वो कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज, वो मिलके हमारे इसमें टोटल लॉसेज होते हैं। तो हम दोनों तरीके से, इनपुट मालूम है तो भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, आउटपुट मालूम है तो भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी क्या होगी? दोस्तों जो ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी रहती है वो किलोवाट आवर में नापते हैं, ये कई बार सवाल पूछा जाता है, तो आप हमेशा याद रखना ट्रांसफार्मर की ऑल डे एफिशिएंसी किलोवाट आवर में निकालते हैं। इसका फार्मूला लिखा के, एक दिन का आउटपुट किलोवाट आवर में और अपॉन में एक दिन का इनपुट किलोवाट आवर में। ऑल डे एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करते समय आयरन लॉसेज को हम 24 घंटे से गुणा करते हैं, जबकि कॉपर लॉसेज को जितनी घंटे हमारा लोड रहा उतने ही घंटों से हम गुणा करते हैं। तो दोस्तों मेरा जो ट्रांसफार्मर के ऊपर मल्टी चॉइस क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने अधिकतर से इसमें सेलेक्ट कर लिए हैं आपके लिए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे, और आपके सजेशन के लिए मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों, कि मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, तो कृपया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कीजिए, और मैं अभी अगला टॉपिक जो आप बोलेंगे उसके ऊपर मैं बना के लेके आता हूँ। थैंक यू दोस्तों।